हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कल मैंने तुम्हें तीन चार कुछ क्वेश्चन दिए थे एडवांस लेवल के, उनको डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप पे दिया था उसको डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन इन द ग्रुप। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कि एबीसीडी मैं जस्ट डिक्टेट कर रहा हूं। इस एबीसीडी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी। मेरे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, लेट्स से दिस इज माय साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और इसका नाम है एबीसी। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, पॉइंट बी इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, पॉइंट सी इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी एंड पॉइंट डी इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी, ठीक है। दिस इज अ सिनेरियो गिवन और मुझे प्रूफ क्या करना था, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्या था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए divided by b minus a dot with b minus a plus mod of b cross c plus c cross d plus b cross b is the magnitude divided by b minus c cut off b minus c, ठीक है। This is what we have to calculate। वैसे मैंने डिस्कस किया था ग्रुप में डाउट सेशन के दौरान भी, बट ठीक है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो यू कैन लिसन। अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, जैसे पहले वाला टर्म देखो, इसमें जो न्यूमरेटर में दे रखा है उसमें क्या क्या पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ए बी डी। सो जस्ट फोकस हियर, ए बी और डी, तो मैंने क्या किया, बी और डी को जॉइन कर दिया। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, द रीजन इज जो ऊपर जो दिखा है दैट इज वॉक, सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, दैट इज नथिंग बट इस ट्रायंगल का एरिया, एक्चुअली नॉट द एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है दैट इज नथिंग, मैं इधर लिख रहा हूं, तो पहले वाले टर्म का न्यूमरेटर है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय। नाउ सी हियर, दिस इज वेक्टर बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मेरा क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूं, इसलिए बी माइनस ए, सी हियर बी माइनस ए इज दिस वेक्टर, तो मैं एरो मार्क कर रहा हूं, एंड सिमिलरली डी माइनस ए इज दिस वेक्टर, तो बी माइनस ए डॉट डी माइनस ए, तो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया दैट दिस एंगल इज थीटा, तो मैं उसको लिख लूं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, दैट इज एडी का लेंथ इनटू एडी का लेंथ इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैं इस वाले पार्ट को क्या लिख रहा हूं, बी माइनस ए मतलब एबी, एबी मतलब नॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड लेंथ, देन डी ए दिस वेक्टर, तो डी एडी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, एंड अगर मैंने इधर थीटा इसमें किया तो आ रहा है थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, तो इफ यू फोकस हियर बी सी डी, b क्रॉस c, c क्रॉस d एंड d क्रॉस b, तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखा, सेकंड वाले पार्ट का न्यूमरेटर इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो आई राइट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, अपॉन अगेन b माइनस c क्या होगा मेरा, ये वाला वेक्टर एंड डी माइनस सी विल बी दिस वेक्टर। अच्छा, अब मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज पाई, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अच्छा, तो अब मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, बी डी, बी डी सॉरी बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर एंगल इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अच्छा, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी को कैसे लिख सकता हूं, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, एबीडी का एरिया कैन आई राइट, ये पार्ट लिखना है, इतना पार्ट लिखना है, तू तो पहले लगा इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज हाफ ऑफ व्हाट, देखना हाफ ऑफ एबी क्रॉस एडी, और एबी क्रॉस एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, एबी इनटू एडी इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से एबी into AD into sin of included angle, this is using cross product, aur niche mera already likha hai AB AD cos theta, and here twice of ab area of triangle BCD, again BCD ko main kya likh sakta hu, BC ka cross with CD, and again I write it as BC into CD into sin of included angle using cross product, to mai likh twice, only half into BC into CD into sine of included angle, sine of pi minus theta,
और नीचे मैंने क्या लिखा है बी सी सी डी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस थ्री. ठीक है, ये टू और ये टू कैंसिल. सिमिलरली एबी और एडी कैंसिल हो गया ना सर, ये एबी ये एबी ये एडी ये एडी ये बीसी ये बीसी ये सीडी और ये सीडी. ठीक है, ऑल आर गेटिंग कैंसिल. व्हाट यू लेफ्ट आउट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा. एंड हियर यहां से देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो इट इज साइन थीटा ऑफ तो साइन थीटा एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो इधर माइनस आ जाएगा इधर कॉस थीटा. Now you can see 10 theta minus 10 theta. So finally the getting answer is 0. Clear हुआ बच्चों? नहीं अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ. तो I hope तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, जब अटेम्प्ट करोगे तभी ज्यादा सीखोगे. ठीक है, जैसे कि मैं बार-बार बोलता हूं और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे चार ही अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब मेंस से एडवांस लेवल के थे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चंस. क्वेश्चन था हमारा पहला में हमारा एक डायग्राम है इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो क्या था, मैं डायग्राम बना देता हूँ. चलो बड़ा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा. ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टिव रे. ठीक है, एंड दिस इज द मॉमेंट ऑफ सरफेस. ओके, नाउ दिस इज सरफेस. अच्छा, और मेरे को दे रखा था ये वाला वेक्टर v है या v वेक्टर मान लो. दिस इज स्केल ऑफ a का एंड स्केल ऑफ w. Now we have to express W in terms of U and sorry this V and A. मुझे क्या करना है? इस W vector को निकालना है. किसके terms में? कौन-कौन से vector given है मुझे? A और B के terms में. ठीक है? तो कैसे करें? Start करते हैं. देखो, मैंने कह दिया एक मिनट के लिए इसको पूरा angle रख लिया. अच्छा, मुझे पता है कि incident ray और reflected ray के बीच के जो angle है, उसको normal bisect करता है. वो भी property of reflection. ठीक है ना? तो मैंने बोला एक मिनट के लिए मैंने इसको थीटा बाय 2 माना. थीटा के पास सकता थीटा बाय 2 मान. तो ये एंगल थीटा बाय 2 होगा. आई हैव मेरे सामने आ रहा है पूरा एंगल थीटा है. तो दिस एंगल इज थीटा बाय 2 एंड दिस एंगल इज थीटा बाय 2. क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि अब याद करो अपन ने चीज पढ़ी थी क्या बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स. क्या था एक बार रिकॉल करते हैं. नेक्स्ट मेरे पास ये वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है. तो मैंने बोला था इस इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता था. तो मैं क्या करते थे, मैंने ए को यूनिट वेक्टर बनाया a अपॉन मॉड a प्लस b अपॉन मॉड b. दिस इज अ वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर. अच्छा, नाउ फोकस ऑन दिस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे. तो ये वाला जो वेक्टर है दैट इज a कैप दैट इज अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दीस टू वेक्टर्स. ठीक है. अच्छा, एक चीज छोटा सा ऑब्जर्वेशन बच्चे गलती कर सकते हैं. एक्चुअली b इज द डायरेक्शन ऑफ दैट डायग्राम. मैं एक काम करता हूं उल्टा मान लेता हूं. उल्टा मानूंगा मैंने ऐसे मान लिया तो आई शुड राइट माइनस ऑफ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसने नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रखा था v, तो मैं उसको ऊपर की तरफ मान लेता माइनस. क्लियर है? अब जस्ट सी कि एक वेक्टर मेरा w है एक माइनस v है. तो इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर क्या लाओ वेक्टर निकाल सकता हूं मैं. देखो ये अपने आप में यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा w कैप यूनिट मॉड w से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो ये माइनस v है तो माइनस v क्या वो बोले माइनस कैसे आ गया माइनस तो अपना एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर होता था. नहीं ये माइनस ही है एक्चुअली. ये मैंने प्लस ही लिखा है ऐसे लिखो. नहीं तो ये प्लस माइनस ही है ऐसे लिखो. बिकॉज़ अभी मेरा जो ए है वो एंगुलर बाइसेक्टर किन दो एंगल किन दो वेक्टर्स के का माइनस बी और डब्ल्यू मतलब बी की जगह माइनस बी है मेरा इसलिए मैंने माइनस ही लिखा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर. और इसको यूनिट बनाना था मैंने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो डब्ल्यू कैप माइनस बी कैप. This is what my a cap very very important equation. अभी मेरा final answer नहीं आया. मुझे तो क्या चाहिए? मुझे W चाहिए. I don't want a. A निकालना हो, a cap निकालना होता तो बहुत आसान हो गया. But I want W in terms of a and b. तो क्या करें देखो. देखना क्या किया हमने? Side में ले जाके हमने mod of W minus b calculate किया. Let's say mod of W cap minus b cap. तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर करके क्या लिखते हैं. लेट्स से दिस वेक्टर का स्क्वायर इज w कैप माइनस b कैप डॉट विद w कैप माइनस b कैप ऐसे करते हैं. क्लियर है? अच्छा, अब इसको ऐसे समझ लो. दो तरीके से समझ सकते हो. देखो एक तो एक तरीका तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं. तो w नाउ माइनस b को मैं वेक्टर ले रहा हूं तो v w कैप प्लस ऐसे ले रहा हूं माइनस b कैप. इफ यू विल राइट इट दिस वे यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड.
तो ये लिखा डब्ल्यू कैप प्लस माइनस सी कैप और डॉट पे डब्ल्यू कैप प्लस माइनस सी कैप, मतलब कहने का मेरा मतलब वी को माइनस सी की तरह ट्रीट करो, ठीक है? नहीं तो फिर हालांकि वैसे भी आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे एंगल बिटवीन W एंड V लिखना पड़ेगा, तो W और V के बीच में एंगल लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, बट एंगल बिटवीन A एंड माइनस V दिस इज थीटा, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन वेक्टर A कैप एंड माइनस V कैप, नॉट V कैप, माइनस V कैप इज थीटा बाय, तो वो चीज मैं इधर यूज करूंगा। नाउ इधर क्या आएगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, इधर क्या आएगा, mod of w w cap which is 1 plus mod of minus v cap x square which is again 1 other aa jayega plus twice of cos theta, ye important thing hai, dekho is samajh aaya ya nahi, chalo ek baar explain karta hu kaise hai, ek kaam karta hai to main ek baar pura explain karta hu isko pura over karta hu, theek hai? Dekho kya kya aaya, pehle ye w log cap ka x ka w cap ka sa log, to w mod of w cap x square aayega plus ye w cap iske sath to minus ya fir aise likho प्लस w कैप डॉट विद माइनस v कैप, फिर इधर इन दोनों से आया प्लस w कैप डॉट विद माइनस v कैप प्लस माइनस v कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस v कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, यानी तो ये वाला है ये वाला है ये दोनों का 2 हो गया। अच्छा अब इसको मैं लिख सकता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ w कैप डॉट विद माइनस v कैप, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a डॉट b cos theta, a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos theta, तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ w इनटू मॉड ऑफ माइनस b इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, ये वेक्टर कौन कौन से w कैप और माइनस b कैप, मैंने अभी लिखा है ना एंगल बिटवीन, सॉरी ये लिखा है चलो w लिखो, एक मिनट इधर देखो w और b के बीच में देखो गलत लिखा करेगा, एंगल बिटवीन ऐसे लिखो इधर w कर लो इधर w कैप कर लो दिस थीटा, W cap ये है minus B cap ये है, तो इन दोनों के बीच में दिस कंप्लीट एंगल है theta, ठीक है? तो अब मैं इसको कैसे लिखूँ, 2 plus twice of mod of W cap which is 1 into इसका magnitude 1 into cosine of angle between these two that is theta, तो 2 plus 2 cos theta आ गया, इधर मैं लिख देता हूँ ये मेरा आया क्या W cap और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ minus B cap that's why this is 2 plus 2 cos theta, 2 common लूँगा तो I'll get 1 plus cos theta and 1 plus cos theta will be 2 cos square theta by 2. Ultimately what you get here is 4 cos square theta by 2. 4 cos square theta by 2. So from here what I will get w cap minus v cap. Its magnitude is basically 2 cos theta by 2. Are you getting it? Ye mera aaya magnitude of w cap minus v cap and that is 2 cos theta by 2. So I will put it here. So dekho mera kya aaya. मैं आप इसे क्वेश्चन में रखा हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पेशली एडवांस के लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इधर रख रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ए कैप इन और ये मेरा 2 cos theta by 2 बराबर है 2 cos theta by 2 is equal to w cap minus v cap, तो मेरा इधर से w cap क्या आ गया v cap plus a cap into 2 cos theta by 2, अभी भी मैं इसे इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकता आंसर, द रीजन इज थीटा जो एंगल है वो तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था ना फिगर में, तो मुझे अभी तक थीटा ये cos theta by 2 हटाना पड़ेगा, गेटिंग इट, मैंने बोला आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ a एंड माइनस b या फिर a एंड b, तो आई शुड नॉट गेट थीटा इन द फाइनल आंसर, तो क्या करेंगे थीटा बाय 2, अब मैं ये फैक्ट यूज करूंगा कि a और माइनस b इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा बाय 2, मैं इधर लिख रहा हूं इसको a कैप डॉट माइनस b कैप, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्हिच इज 1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्हिच इज 1 इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स इज थीटा बाय 2, सो आई राइट इट थीटा बाय 2, तो इधर से मेरे को मिला a डॉट v माइनस इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2, तो बस अब मैंने cos थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल ली, इस तरह लिख दूंगा, तो फाइनल जो मेरा आंसर होगा दैट इज v कैप माइनस a कैप और 2 into a dot v cap, a cap dot v cap. This is the final answer. This is w in terms of a and v. V cap minus twice of a cap into a cap dot v cap. ठीक है clear हुआ? यहाँ तक नहीं छोड़ना है, because मैं again बोल रहा हूँ theta by 2 तो मैंने introduce किया था variable. ठीक है ना, तो आपको एलिमेंट स्पेस theta by 2 in terms of v
more quantities. And no quantities in this diagram are A and B. Now we will निकाल लाए. I hope ये हुआ होगा. काफी अच्छा क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कॉपी करो इसको. इसके बाद आपको दे देंगे तो छोटा सा मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बता दूंगा क्या होता है और उसके बाद वेक्टर एडिशन दैट योर लास्ट टॉपिक और एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है वो जेई में है नहीं बट फिर भी इन सम ऑफ द बुक इट इज गिवन सो आई लाइक टेल दैट आल्सो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा भले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या दिखा था एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज 5/6 एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप अब कैप लगा रहा हूं ऐसा नहीं बी कैप और सी कैप मतलब बी और सी भी लिख सकते हो तो एंगल की बात चल रही है ना एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 5/4 एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 5/6 एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए इज 5/3 देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड प्लेन ऑफ बी एंड You have to find angle between vector A and plane of B and C. So, देखते हैं इसको कैसे करना। मैंने एक बार diagram बना लिया थोड़ा सा, पता चलेगा कि angle actually किस angle में बात चल रही है। तो let's say मैंने बोला कि B और C वाला plane मैंने बनाया। तो let's say this is the vector B and this is vector C. ठीक है ना? Let's say इसको plane बना देता हूँ। ये एक plane में है। This is the plane that containing vector B and vector C. ठीक है यार? अब क्या है? वेक्टर ए बना रहा हूं तो देखो पहले मैंने देखा कि बी क्रॉस सी क्या होगा बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी को तो लेट्स से दिस इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी दैट इज बी क्रॉस ठीक है अब मान लिया मैंने ए का जो ए जो वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं डायग्राम में लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए दिस इज द वेक्टर ए अगेन दिस वेक्टर ए इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड ये समझना चाहिए तुम्हें डायग्राम से बी और सी जो है वो प्लेन ऑफ बोर्ड में है बट ए वेक्टर इज आउटसाइड द प्लेन ठीक है अब उसने क्या बोला है हमें क्या निकालना है ए और प्लेन ऑफ बी और सी के बीच में एंगल एंगल बिटवीन ए एंड प्लेन ऑफ बी एंड सी दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल ये प्लेन है बी और सी का लेट्स से मैं ऐसे बताता हूं पेन से मैंने बोला कि लेट्स से दिस ब्लैक मार्कर्स आर माय बी एंड सी वेक्टर्स एंड लेट्स से दिस इज ब्लू मार्कर इज माय वेक्टर ए सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल गेटिंग इट ये जो एंगल होता था ए जो बी क्रॉस सी के साथ बनाता था वो तो हमारे स्केलेटर पर प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने वो तो स्टैंडर्ड था अल्फा बोलते थे उसको बट इधर अल्फा नहीं बोला एक्चुअली क्या बोला है दिस एंगल है दिस इज 90 माइनस अल्फा अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम तो हमारा स्टैंडर्ड बॉक्स प्रोडक्ट था एबीसी का उसमें क्या होता था अल्फा क्या होता था एंगल ए वेक्टर ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल मतलब कहने का मेरा मतलब है कि लेट्स से एक मिनट माफ करता हूं मैं सी हियर ये एंगल अल्फा होता था बट ये नहीं निकालना मुझे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो ब्लू वाला मार्कर है दैट इज वेक्टर ए जो बी प्लस सी प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज माय एंगल दैट वी हैव टू कैलकुलेट ठीक है मान लिया उसको थीटा लेट्स से दिस एंगल इज थीटा तो ऑफ कोर्स दिस भी जो एंगल होता था जो हमारा अल्फा बोलते थे हम हमारे क्वेश्चंस में मतलब जो थ्योरी पढ़ाया था तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया 90 माइनस गेटिंग इट क्लियर हुआ यहां तक अच्छा अब हम करते हैं क्या यूज करेंगे बॉक्स प्रोडक्ट यूज करेंगे कैसे देखो और वेक्टर सी कैप के साथ क्या है बच्चे दो वेक्टर दैट इज ए कैप डॉट बी कैप ये आया मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस अब मैं ए क्रॉस बी क्रॉस को ऐसे ऐसे सोचो कि बी क्रॉस सी को एक मिनट पहले मैंने वेक्टर डी बोला तो ये ए क्रॉस बी लिखा है ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं अच्छा मैंने दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया चलो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड उसके बाद अब मैग्नीट्यूड ऑफ ये ऐसे लिखा है ये वाली चीज ऐसे लिखी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी व्हाट आई कैन राइट मॉड ए मॉड डी इनटू क्रॉस एस साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल गेटिंग इट तो इस चीज को एलएचएस को मैं कैसे लिख रहा हूं देखो मॉड ऑफ ए कैप इनटू मॉड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कैन यू राइट इन योर बुक व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी दिख रहा है दैट इज 90 माइनस थीटा जो हम अपना
अल्फा लेते थे उधर, वो जब मैंने स्केलर पर प्रोडक्ट बनाया था तब उसको अल्फा बोला था मैंने, cos अल्फा याद आया, इधर वो चीज 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल sin ऑफ 90, सॉरी sin निकल गया मैंने 90 माइनस थीटा, समझ में आया ना 90 माइनस थीटा किस किस के बीच में एंगल है, वेक्टर b क्रॉस c एंड वेक्टर a, चलो तो अब इसको मैंने लिखा ये चीज, तो अब मेरा इधर देखो इधर अब a डॉट c कितना होगा, अच्छा ऑफ कोर्स ये यूनिट वेक्टर्स हैं, a कैप डॉट c कैप इधर से पावर हो पावर 6 दे रखा था, क्या दे रखा था जस्ट सेकंड नॉट श्योर, इट इज पावर 3 नॉट पावर, बहुत ज्यादा इजी हो जाता, ठीक है हां चलो ये बार चेक कर लो, पावर 6 पावर 4 पावर 3 करेक्ट परफेक्ट, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि a cap dot c cap क्या होगा, what is a cap dot c cap, can you tell, mod of a cap into mod of c cap into cosine of included angle into cosine of included angle, so mod of a cap is 1, mod of c cap is 1, cos of pi by 3 which is half, so mera ye jo a dot c this is half, so you get b cap by 2, similarly minus a aur b ke beech mein angle pi by 6, so kya likha a dot a cap dot d cap kya hoga, mod of a cap into mod of b cap into cosine of angle between these two vectors, तो क्या हो जाएगा mod of a cap 1, mod of b cap 1, cos of pi by 6, which is root 3 by 2, तो जो जाएगा root 3 by 2, times c, getting it, now what I do, I'll square put this, मैंने दोनों side square, दोनों sides, so from here what you get, ये तो mod of a cap, ये तो 1 हो गया, इधर आया mod of b cap cross c cap, अब b और c के बीच में angle पता है, so मैं इधर क्या use कर सकता हूँ, mod of b square, into mod of c square into cross actually sine of included angle, so sine of pi by 4 which is 1 by root 2, but already square is 1 by 2, 2 by square is 1 by 2 into ye sine of 90 minus theta lega which is cos theta square hai, matlab cos square theta, getting it, acha question hai ye, isliye maine advance bola tha tumhe, advance level ke, getting it, koi bhi chota se chota doubt hai you have to clear it, theek hai na, chalo aage badhte hain, is equal to अब इधर क्या लिखा है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैंने क्या स्टैंडर्ड बोला किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया तो हम क्या कर रहे हैं, वो वेक्टर डॉट सेम वेक्टर, जैसे z mod z का स्क्वायर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है z into z बार, उसी तरीके से वेक्टर्स का क्या बोलते हैं, mod of a square is a a dot a, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, b cap by 2 minus root 3 by 2 c cap इसका डॉट b cap by 2 minus root 3 by 2 c cap, जस्ट ओपन इट, क्योंकि देखो अब इधर क्या क्या जनरेट होगा, एक तो मैंने इसके बाद तुम लोग का टास्क है, इधर क्या क्या जनरेट होगा, मोड बी कैप का स्क्वायर जनरेट होगा व्हिच इज 1, मोड सी कैप का स्क्वायर जनरेट होगा व्हिच इज 1, और बी कैप डॉट सी कैप जनरेट होगा, तो उसको मैं अगेन क्या लिखूं, मोड बी कैप इनटू मोड सी कैप इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, एवरीथिंग इज नोन, ओनली द अननोन इन दिस इक्वेशन इज थीटा, तो वी हैव टू फाइंड, गेटिंग दो स्टेप करना है इसके बाद, ओके सेंड मी द सॉल्यूशन, ठीक है ना, मुझे सेंड करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इज
equal to b by 3 plus c by 2. अच्छा अब वो फैक्टर्स होगा जो क्वेश्चन इधर का a b c आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है तो अब मुझे पता है इधर b और c का एक कॉम्बिनेशन लिखा है इधर भी b और c का एक कॉम्बिनेशन लिखा है a डॉट c और a डॉट b का किस स्केल अलग अलग से माने तो व्हाट आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स इज b एंड c आर नॉन कोलिनियर राइट इन दिस वे कि b और c नॉन कोलिनियर है इसलिए आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ b एंड c ऑन बोथ द साइड्स तो फ्रॉम हियर व्हाट आई गेट a डॉट c इज इक्वल टू b का कोफिशिएंट इधर 1 बाय 3 इधर से a dot b c का कोफिशिएंट हाफ तो वो हाफ माइनस में चला गया माइनस ये दो इक्वेशन दिए हमने इधर से ठीक है लेट्स इक्वेशन 1 इक्वेशन सिमिलरली अब इसको पता है तो इसमें क्या है दिस इज द वेक्टर इन द प्लेन रेक्ट क्या c और a दिस इज द वेक्टर इन द प्लेन ऑफ c एंड a एंड c बीच में है तो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं c वेक्टर माइनस वेक्टर a अब c यूज हो गया तो लगता है बच्चा b डॉट इधर a यूज हो गया तो लगता है b डॉट एंड दिस इज गिवन एज माइनस c बाय Now again compare the coefficients. So if you compare the coefficients of c, here it is minus half, here it is a dot b. So what already information has shown a dot b is minus half. I compare the coefficients of a on both sides. अब लोग बोलेंगे तो a तो दिए नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे बोलेंगे इसको plus zero times vector. अब ठीक है a दिया है. अब a का coefficient इधर क्या b dot c इधर क्या zero. That means my b dot c is zero. ठीक है? ये तीन equation में use करके can you write box abc? Can you find box abc? करो ये पॉज करो अब अगर अभी भी क्लिक किया हो कैसे निकालना है जस्ट फोकस मैंने एक बताया था फार्मूला जो मैंने बोला था एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखो मैं चलो फार्मूला कह रहा हूं बॉक्स एबीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी ठीक है तो ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी ऑल दीस आर वन बिकॉज़ ए और बी क्या ए बी सी मेरे क्या यूनिट वेक्टर्स हैं ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ये तीनों तो बार बार है बार 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 a dot b from this equation minus half so this is minus and similarly here also a dot b so minus half then a dot c 1 by 3 so this is 1 by 3 and a dot c is 0 dot b so this is 1 by 3 and lastly b dot c 0 then 0 Okay. And this is what log back a b c a. Just find this value, take square root. That will be a volume of parallelogram formed by unit vectors a b c. Clear हो बच्चों? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. Pause करो, इसको copy करो. हाँ एक और बचा एक चुकी है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मैं केवल साइड्स लिख रहा हूं क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया रूट थ्री टाइम्स ए कैप क्रॉस वेक्टर बी ठीक है ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर एंड द सेकंड साइड इज ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा इनिशियल स्टेट पे ए कैप डॉट वेक्टर बी इनटू ए कैप दीस आर द टू साइड्स ए बी इज नॉन जीरो वेक्टर ए कैप इज यूनिट वेक्टर एंड फाइंड साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल नॉट साइड्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल तो अब पहला चीज जो आया हमारा था दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन क्या लगा सकते हैं देखो जब भी एंगल्स वगैरह की बात चले ना तो एक सेकंड थिंग हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कहीं ना कहीं राइट एंगल टाइप की चीज आनी चाहिए ये नहीं बोला हमेशा ट्रू होगा इट विल बी यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90 होता है जनरल क्वेश्चंस जब पूछा जाता है अब जब 90 की बात आती है तो मेरे दिमाग कौन सा दिमाग में आना चाहिए 90 मतलब डॉट प्रोडक्ट बस ये जैसे क्लिक करेगा ना फिर शायद ये क्लिक कर जाए दो ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में एक तो जो मैं अभी बता कि 90 है दोनों साइड्स की ट्रायंगल की ऑब्जर्व किया फॉर यू क्योंकि वेरी विल टेक डॉट प्रोडक्ट देखो ये वेक्टर भी है अब इसका a क्रॉस b के साथ डॉट लोगे तो ऑफ कोर्स ये होगा क्योंकि a क्रॉस b इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b हेंस इस b का इसके साथ डॉट जीरो सिमिलरली इस a कैप का ये तो इसके लिए a कैप डॉट b इधर नंबर लिखा है 2 या 3 ये वेक्टर a है मतलब a कैप का वेक्टर a है अगर मैंने टेक डॉट में a क्रॉस b इट विल बी जीरो मतलब अगर मैंने इसको एक वेक्टर माना इसको एक वेक्टर माना इन दोनों का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया एंड व्हाट आई गेट जीरो दैट मींस दीस टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मेकिंग 90 डिग्री तो कम से कम हमें एक एंगल तो पता चल गया अब बचे हुए दो एंगल्स और निकाल देंगे देखो
क्या बोला मैंने कि इन दोनों का जब डॉट लोगे ना यू गेट जीरो. द रीजन इज इधर बी लिखा है इधर ए लिखा है एंड ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी. तो व्हेन यू विल टेक डॉट पर ए क्रॉस बी दीस टू वेक्टर्स का वी विल गेट जीरो. ठीक है तो अब मैं डायग्राम बता रहा हूं. लेट्स से दीस आर द टू साइड्स ए मैंने साइड ली. दिस इज रूट 3 टाइम्स ए कैप क्रॉस बी एंड द सेकंड लेयर इज वेक्टर बी माइनस ए कैप डॉट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्योर एडवांस क्योंकि इस टाइप की ट्रिकी चीजें ही आपके एडवांस में. ठीक है ना अब मैंने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया. लेट्स सी जॉइन करते हैं ये 19. ठीक है ना यहां तक कंप्लीट है. लेट्स से मैं ये थीटा मान लेता हूं. तो माय आंसर विल बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर थीटा 90 एंड 90 माइनस थीटा. अल्टीमेटली माय टारगेट इज नाउ टू फाइंड टू कैलकुलेट थीटा. अब मेरा टास्क क्या रहेगा थीटा निकालना. तो थीटा निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा. तो लेट्स से फाइंड tan थीटा. तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर ये वेक्टर दिया है मुझे तो साइड चाहिए तो आई विल टेक मैग्नीट्यूड. तो मोड ऑफ रूट थ्री टाइम्स ए कैप क्रॉस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस ए कैप डॉट वेक्टर बी टाइम्स. यहाँ पर मेरा लिखने के बाद 60% सॉल्व हुआ है. अभी भी मैंने जो बोला था ना इसमें दो ट्रिकी पार्ट है. एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया ट्रिकी क्या था डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स इज जीरो. उससे हमें पता चल गया दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब दूसरा ट्रिकी पार्ट तुम वीडियो पॉज करके सोचो इस वेक्टर पे फोकस करो. जस्ट फोकस ऑन दिस. दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट. मतलब रियली अगर तुम्हें क्लिक करता है ना तो मतलब तुम्हारा परफेक्ट चल रहा है रियली गुड. इवन टीचर्स लोगों को क्लिक नहीं करता है बट ट्राई करो. तुम दो मिनट सोचो. मैं तो बोल रहा हूँ 2 मिनट दो इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर पढ़ी हुई चीज लग रही है क्लास की. चलो मैं हिंट देता हूँ. दिस जो मॉडल के अंदर लिखा है दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब तुम डिसाइड करो किन तीन वेक्टर्स का डॉट किन तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है. ठीक है पॉज करो. अब मैं आऊँ. अब पहले क्या किया डिनोमिनेटर को दिखा रहा हूँ. इस बी के आगे मैं लिख सकता हूँ ए कैप डॉट ए कैप. इज इट करेक्ट कैन आई राइट इट ए कैप डॉट ए कैप. यस ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर. ए कैप डॉट ए कैप क्या होगा 1 मॉड ए कैप कॉस 0 दिस 1. चल तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख रहा हूं. अब शायद क्लिक कर रहा है. ये लिखने के बाद अब तो बचा ये नाउ सी दिस उल्टा जा रहा है. अब हम उल्टा जाएंगे जैसे ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी दिया होता था हम उसको एक्सपेंड करते थे उसका उल्टा जाने वाला. अब देखना मैं इसको देख रहा हूं ये बी माइनस सी था तो दिस विल बी प्लेन ऑफ बी एंड सी. बीच में बी आया क्योंकि ये बी माइनस सी था पहले भी लिखा तो बी क्रॉस ए टाइप की होगी क्रॉस विद किसके साथ क्रॉस तो देखो जब मैंने इधर बी लिख दिया तो मैं क्या लिखता था बी लिख दिया तो बचे हुए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. इसका मतलब इधर क्या होगा ये नाउ सी. अब एक बार देखो इसको ओपन करोगे तो विल यू गेट दिस थिंग और नॉट. जस्ट सी पहले की हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले ब्रैकेट में दिस दिस इज द प्लेन ऑफ बी एंड ए. तो पहले वेक्टर बी लिखा है बीच में तो बी माइनस ए कैप लिखेंगे. फिर बी लिख दिया तो बचे हुए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए कैप डॉट ए कैप. तो ये क्या लिखा है तो मतलब बचे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये क्या डॉट बी ये क्या डॉट बी. तो दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है ना चेंज कर देता हूं. पहले आ भी चुका है आई डोंट नो आई एम नॉट श्योर तो बट फिर भी आ सकता है. अगर नहीं भी आया तो इट कैन कम. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ऊपर लिख के मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. मेरा tan थीटा क्या आ गया फाइनली tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट 3 टाइम्स a cap sorry this is a cap cross vector b divided by magnitude of a cap cross vector b cross a cap. this is what we do. see now ab main isko ek minute ke liye ek vector maan lo let's say vector d. to niche to kya likha hai a cap cross d cap aur a cap cross d cap uska magnitude likha hai. तो उसको तो मैं क्रॉस उसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरह से कैसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए कैप इनटू मॉड ऑफ डी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए कैप एंड वेक्टर डी. तो न्यूमरेटर को मैंने ऐसे कॉपी किया तो रूट 3 टाइम्स ऊपर लिखा है मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय उसको मैंने क्या बोला ए कैप का मॉड ऑफ ए कैप इनटू मॉड ऑफ डी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड डी. खुद सोचो ए और डी के बीच में एंगल क्या होगा. अब डी पे फोकस किया मैंने डी इज व्हाट बी क्रॉस ए कैप. तो जो बी और ए है बी क्रॉस ए है जो वो ऑफ कोर्स बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. तो
B cross A is a vector perpendicular to A. Hence, the angle between B cross A and A is what? 90? 12, 9, 10. अब b रो में b क्रॉस इसको माना था b वेक्टर b क्रॉस a कैप या a कैप b b क्रॉस a कैप को माना वेक्टर d तो ये d मॉड ऑफ दैट वेक्टर है a इसमें मॉड ऑफ a कैप इज यूनिट वेक्टर वन sin 90 इज ओके वन फाइनल व्हाट यू गेटिंग √3 व्हाट आई एम एवरीथिंग इज गेट कैंसिल्ड आउट तो tan theta √3 है इसका मतलब theta will be 60 degree सो आंसर इज दिस इज 60 एंड द रिमेनिंग लास्ट एंगल will be वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है ना स्टाफ आप कर लो ये पांचवा ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है ठीक है अब एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद मैं मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ओके ये हो गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन सारे कंप्लीट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी की क्वेश्चन है इसमें भी कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होंगे तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत नहीं तो बहुत टाइम लगेगा तो नोट करो क्वेश्चन इज यू वी डब्ल्यू आर नॉन कोप्लैनर यूनिट वेक्टर्स U, V, W are non-coplanar unit vectors such that angle between U and V is alpha, angle between V and W is beta, and angle between W and U. यूनिट बोलो चाहे कुछ बोलो एंगल तो वही रहेगा यूनिट वेक्टर लो चाहे वेक्टर ठीक है ये तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया है एंड और व्हाट है कॉमा एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर एक्स वाई जेड वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स bisectors of angles alpha comma beta comma gamma respectively alpha comma beta comma gamma respectively then prove that to prove box of x cross y y cross z and z cross x this is given as 1 by 16 times box of dikhne mein bahut complicated lag raha hai but trust me easy agar tumhe standard result yaad ho into sec square alpha by 2 sec square दो वेक्टर है मान लो ए और बी उनके बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर क्या होता था ए कैप प्लस बी कैप और अगर ये भी चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते एक तो वो चीज हो गई एक याद करो अपन ने एक दो क्लास पहले बताया था बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस है क्या होता था बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर वो तीसरी चीज यूज होगी और दूसरी चीज और तीसरी चीज क्या यूज होगी बॉक्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी मैं क्या लिख रहा हूं चलो लिख देता हूं व्हाट आर थ्री थिंग्स दैट वी विल यूज हियर एक तो मैंने बोला लेट्स सी ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है ये एंगुलर बाइसेक्टर मान लो ये दोनों एंगल बराबर है थीटा ए थीटा ये वेक्टर क्या होता है ए डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर ए क्या प्लस बी क्या अब ये वेक्टर है इसी से इसको डिवाइड कर दिया ए क्या प्लस दिस इज द वेक्टर एंड अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये तो पहली चीज जो यूज होगी इसमें दूसरी चीज जो इसमें यूज होगी दैट कॉस ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी एंड थर्ड थिंग दैट वी यूज हियर इज बॉक्स ऑफ a plus b, b plus c, c plus d. इस वाइज ऑफ बॉक्स इन ऑल द इन तीनों के प्रूफ हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़े हुए हैं बट उनका ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा था एक ही क्वेश्चन तीनों चीजें यूज हो रही ठीक है ना तो अगेन पॉज करो वीडियो और एक बार फिर से माना चाहिए गिव 5 मिनट्स एटलीस्ट 5 मिनट्स दो इसको फिर आगे बढ़ो वीडियो में ठीक है चलो अब करते हैं तो उसने एंगल बिटवीन यू पी वगैरह ये सब दे रखा है चलो अच्छी बात है पहले तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगा दो इसके अंदर तो ये तो ए बी सी की जगह बस एक्स वाई जेड दे रखा है जैसे एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस जेड जेड क्रॉस एक्स ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस एक्स दिस इज बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर तो व्हाटएवर आई हैव टू फाइंड दैट इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड इसका स्क्वायर ये निकालना ये निकालना तो ये निकालना बस दोनों चीजें बराबर है
चलो ये वाला पार्ट ले लीजिए, अब मैं आपको इस वाले पार्ट में अब उसे x का डेरिवेटिव बेसिकली x इज बेसिकली यूनिट वेक्टर है पहली बात तो अलोंग बाईसेक्टर्स ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली, मतलब अल्फा और अल्फा किसके बीच में एंगल है u और v के बीच में, मतलब ये मेरा अगर u है ये मेरा अगर v है तो दिस इज व्हाट वेक्टर x वेक्टर x इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज अलोंग बाईसेक्टर्स ऑफ एंगल अल्फा और अल्फा किसके बीच में एंगल था u और v के बीच में अल्फा था इसका एंगल बाईसेक्टर ये दोनों बराबर है मतलब ये अल्फा पॉइंट है ये अल्फा पॉइंट है तो x को मैं क्या लिख सकता हूं देखना x को मैं अलग से लिख रहा हूं x इज इक्वल टू u और v का तो u कैप प्लस v कैप ये तो वेक्टर आ गया एनी जनरल वेक्टर अलोंग एंगुलर बाईसेक्टर उसको मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया u कैप प्लस v कैप गेटिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट तो इससे मेरा ये इंफॉर्मेशन भी यूज होगी अब मैं सिमिलरली y आउट साइड लिख लेता हूं तो y y में कैसे लिखूं y इज इक्वल टू अब y किसके बीच में बीटा बीटा u और v और w तो v कैप प्लस w कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड तो v कैप प्लस w एंड लास्टली वेक्टर z दीस आर द वेक्टर्स z वेक्टर z इज व्हाट यूनिट वेक्टर अलोंग गामा गामा किसके बीच में था w और u तो w कैप प्लस u कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ w कैप प्लस u कैप जस्ट यू हैव टू व्हाट सब्स्टिट्यूट दिस हियर सब्स्टिट्यूट इट हियर लेट्स राइट डाउन अब अगेन अब एसटीपी की प्रॉपर्टीज यूज होंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ठीक है ना तो पहले तो मैं रख देता हूं इसको ये हो गया u कैप प्लस v कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v कैप प्लस कैप द सेकंड वेक्टर इज y and y is v कैप प्लस w कैप डिवाइडेड मॉड ऑफ v कैप प्लस w कैप एंड थर्ड वेक्टर इज w कैप प्लस v कैप divided by mod of w cap plus v in the vectors ka box acha ab dekho ye jo denominator pe likha hai chalo isko pehle hum calculate kar lete hain tino ka denominator jo hai let's say main isko calculate kar leta hu for that I need to do the board copy kar lo agar copy question copy nahi kiya hoga to isme upar ka part padta hai dekho ab maine bola mod of u plus v ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं ठीक है कौन सा ये तीनों पार्ट एक निकाल लेते बाकी सेम तरीके से बोलते हैं क्या होगा तो दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर u कैप प्लस v कैप अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं व्हाट यू राइट मॉड ऑफ u कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v कैप का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u कैप ऑफ v कैप दिस इज 1 1 1 2 प्लस twice of mod of u mod of v 1 cos of included angle and cos of angle between x u or v u or v ke beech mein angle kya tha I think alpha bola tha maine theek hai na alpha beta gamma ek alpha hai then this is cos of so basically you are getting this as 4 cos square alpha by 2 plus 2 cos alpha to 2 comma leke 1 plus cos alpha so twice of cos 2 cos square alpha by that is 4 cos square alpha by so this is mod of u cap plus v cap square फाइनली यू आर गेटिंग u कैप प्लस v कैप इसका मैग्नीट्यूड इज 2 cos अल्फा बाय 2 वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यू आर गेटिंग 2 cos अल्फा बाय 2 जस्ट अ सेकंड ठीक है मॉड ऑफ u कैप प्लस v कैप इज 2 cos अल्फा बाय 2 ओके तो सिमिलरली वी मेक दिस आल्सो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं हम क्या लिखेंगे इधर भी उसी तरीके से कैलकुलेट करना था लाइक सेम रिजल्ट बट अल्फा की जगह क्या आएगा बीटा इसमें क्या आएगा गामा तो मैं लिखता हूं तो फाइनल व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज और एक काम करते हैं इस स्टेप में ठीक है चलो मैं इसी स्टेप में लिख लेता हूं यू कैप प्लस वी कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ यू कैप प्लस वी कैप ठीक है इधर आ गया वी कैप प्लस डब्ल्यू कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड v कैप प्लस w कैप और थर्ड वेक्टर w कैप प्लस u कैप डिवाइड बाय अरे ये तो मैंने निकाला था सॉरी दिस मैंने निकाला 2 cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 2 cos बीटा बाय 2 2 cos गामा बाय 2 नया गेट इट अब देखना अच्छा ये चीज और ये मेरा स्क्वायर था भाई ये बोला मैं सीखे मुझे ये
ये मिस कर दिया मैंने x y का पर ये ना स्क्वायर ही तो था और लाइक x स्क्वायर आल्सो नाउ सी अब बॉक्स के अंदर मैंने बताया था इसे बॉक्स abc लिखा एक एक ए वेक्टर से मान लो कोई लैम्डा मल्टीप्लाइड वी कैन टेक इट आउटसाइड सो आई विल टेक 2 cos अल्फा बाय 2 आउटसाइड द बॉक्स सी लाइक 2 cos बीटा बाय 2 एंड 2 cos गामा बाय 2 तो n से इट इज अ स्क्वायर तो स्क्वायर करके बाहर आएगा तो वी व्हाट वी विल गेट इज मैं इसको रफ कर देता हूं जस्ट अ मिनट इसको कॉपी कर लेता हूं सी है तो इधर से 2 2 2 8 हो जाएगा बाहर आकर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 तो 1 अपॉन 64 और ये cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 cos स्क्वायर गामा बाय 2 एंड इन द बॉक्स व्हाट वी लेफ्ट आउट इज u + v v + w एंड w + u w + इसका स्क्वायर नाउ यू कैन सी ये वाला डिजाइन यूज कर लेते हैं बॉक्स ऑफ a plus b b plus c c plus s ट्वाइस ऑफ बॉक्स a plus b सो ट्वाइस ऑफ u v w तो ट्वाइस ऑफ u v w लेकिन उधर ऑलरेडी स्क्वायर किया है फोर टाइम्स में आएगा बॉक्स u v w इसका स्क्वायर और इधर मेरा क्या मल्टीप्लाइड है 64 cos स्क्वायर चलिए इधर लिख देते हैं पूरा डिवाइडेड बाय 64 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 cos स्क्वायर गामा बाय 2 4 60 I can see 1 by 60 we cos ko upar jaake sec square alpha by 2 sec square beta by 2 sec square gamma by 2 aur this is box u v w na so the proof karna hai square like this theek hai clear hua so again a good question thoda sa lengthy tha aur again we should know the standard results theek hai tabhi ye itne kam time ho payega otherwise it will take 10 minutes agar tum iska bhi proof karoge iske beech mein iska bhi karoge to fir to matlab 10 minute zyada lag jayega but if you know these things you will get this answer in 2-3 minutes and that is good but like advanced ka question agar 2-3 minute mein ho raha hai to this is good okay chalo ab hum aate hain hamare next topic pe theek hai na isko copy kar lo vector cross product ke liye itna sufficient hai theek hai na ab tumse question chhutenge nahi humne kaafi practice kar li hai vector cross product pe theek hai तो हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशंस ठीक है ना देखो टॉपिक लिखो नेक्स्ट फाइंडिंग वेक्टर्स फाइंडिंग वेक्टर्स are given two non-zero vectors
are given non-zero vectors, such that A is perpendicular, capital A is perpendicular to capital B. ये इन्फॉर्मेशन यूज नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर टू बी. हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन का मैथमेटिकली कैसे यूज करें आगे, ए डॉट बी जीरो अगर जरूरत पड़ी तो. ठीक है, एंड देन नॉट एंड देन फाइंड कैपिटल एक्स विच इज अनोन वेक्टर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डॉट एक्स इज इक्वल टू सी. And C is a scalar, right? C is not a vector. And A vector ka cross with vector X is given as vector. This is what the information given in the question. Ab hum iska dekhte hain how to proceed. Just a second. Here. So. क्या लिखा, इस सी इज अ गिवन नॉन जीरो स्केलर एंड ए एंड बी आर गिवन नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन फाइंड एक्स विच इज अननोन वेक्टर विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था अभी कि जो हमारा अननोन वेक्टर्स है वो क्या होगा, नोन वेक्टर्स के साथ फंसा हुआ होगा डॉट और क्रॉस के साथ. जैसे यू कैन सी एक्स डॉट ए, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते इस वेक्टर ए को हम सी के नीचे लेके जाएं, ऐसा तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है. क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, मुझे अल्टीमेटली निकालना है वेक्टर एक्स इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज. मतलब जब मैं वेक्टर एक्स को लिखूं, सो एक्स के अंदर मतलब जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखा तो आरएचएस में एक्स नहीं आना चाहिए. मतलब जो चीज़ मुझे पूछी है उसी के टर्म्स में मैं आंसर तो नहीं दे सकता ना. मतलब कहने का मतलब मुझे बोला फाइंड एक्स, तो यू कैन नॉट से एक्स इज इक्वल टू 5 - 16 एक्स स्क्वायर. नहीं ना, बिल्कुल गलत बात है. एक्स मतलब एक्स जब मैं आंसर बता रहा हूँ तो आई वॉन्ट द आरएचएस टू बी फ्री ऑफ एक्स. ठीक है, तो इधर भी देख रहा हूँ मैं, जैसे x जो a के साथ क्रॉस के साथ फंसा हुआ है, वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में फंसा हुआ है, आई हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटीज. एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय नॉन क्वांटिटीज आर वेक्टर a, वेक्टर b एंड स्केलर c. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो. और जैसे मैंने बोला था, हिंट दिया था कि हम जनरली मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, हम जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन का डॉट या क्रॉस लेंगे विद सम वेक्टर. किसके साथ लेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ और अगर एक दो क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हें फील आने लगेगी शुरू में, यू मे फील बिट टफ कि भाई हम कैसे सोचें कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें. बट मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी, दो से तीन क्वेश्चन करोगे ना चौथा क्वेश्चन 100% तुमसे सॉल्व हो जाएगा इस कैटेगरी में. ठीक है, तो लेट्स से मैंने इस फैक्टर को उठाया, वेक्टर को उठाया मतलब इक्वेशन को उठाया, तो अब मैं क्या करूँ इसके साथ. इसके साथ फॉर एग्जाम्पल मान लो अब अच्छा नॉन क्वांटिटीज क्या है वेक्टर्स ए एंड बी, तो ऑफकोर्स इसके साथ में वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी के साथ इस पूरी इक्वेशन का डॉट या क्रॉस लेने वाला, ये तो पक्की बात है. किसके साथ लूँ, किसके साथ लूँ मतलब इस इक्वेशन का मैं डॉट और क्रॉस लेने वाला हूँ वेक्टर ए और बी के साथ, बट उन दोनों में से किसके साथ लूँ, और क्रॉस को भी डॉट लूँ. चार पॉसिबिलिटी है, इस इक्वेशन का ए के साथ डॉट, इस इक्वेशन का ए के डॉट क्रॉस, या फिर इस इक्वेशन का बी के साथ डॉट, या फिर इस इक्वेशन का बी के डॉट बी के साथ क्रॉस. क्या लूँ, तो मैंने बोला लुक इन टू द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो मैं ये देखूँगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करता हूँ. आई वॉन्ट टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन फोर ड्यूरिंग द सोल्यूशन, ड्यूरिंग राइटिंग सोल्यूशन. आई मीन मतलब इसका क्रॉस या डॉट जो भी लूंगा मैं उसमें ए डॉट एक्स जनरेट होना चाहिए सो दैट आई कैन रिप्लेस ए डॉट एक्स विद स्मॉल सी. गेटिंग द थिंग्स, मैंने बोला मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ फर्दर तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ए डॉट एक्स जनरेट होना चाहिए, तो क्या करूँगा मैं ए डॉट एक्स को सी से रिप्लेस कर दूँगा. चल अब मैंने बोला तुम सोचो क्रॉस करके, मैं तो डायरेक्टली बताऊँ तुम सोचो मैं किसके साथ क्रॉस या डॉट वॉट एवर. लेट्स से तुमने ए के बी के साथ डॉट बी के साथ क्रॉस लेंगे मान लीजिए, तो कैन यू सी कि बी हाँ मान मान तो नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, तो किसी के साथ भी लेके देख लो अगले स्टेप क्लियर हो जाएगा कि नहीं मैंने गलत ले लिया, फिर दोबारा उसको हटा के फिर दूसरे के साथ ले. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं गलत बताया था, मैंने बोला लेट से मैंने बी के साथ क्रॉस किया, तो व्हाट व्हाट यू विल गेट, बी के साथ क्रॉस ले रहा हूँ तो व्हाट यू विल गेट ए क्रॉस एक्स क्रॉस विद बी एंड हियर यू विल गेट बी क्रॉस बी जीरो. इधर से क्या हुआ, मैंने व्हेन यू विल ओपन दिस
open this using vector triple product, what do you get in the expression? B dot x type is generated only, but मुझे तो a dot x दिया, इसको मतलब मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. तो इट्स बेटर टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद ए. अब मैं एक बार एक साथ ट्रैक कर लेता हूँ, देखते हैं, क्योंकि एक ए से क्रॉस लोगे तो फील आ रहा ए डॉट एक्स जनरेट होने वाला है हमारा. मैंने यू ओपन दैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ए डॉट एक्स जनरेट हो गया तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो दी है क्वेश्चन में वो अच्छे से यूज हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, इसका एक साथ क्रॉस किया. पहले तो ऊपर वाला लिखा ए क्रॉस विथ वेक्टर एक्स क्रॉस विथ वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस. यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया होगा यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ. चलो अब आते हैं इसको ओपन करते हैं. तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा था एक, तो बीच में कौन सा वेक्टर एक्स है, तो वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, बिकॉज दिस इज द वेक्टर एंड प्लेन ऑफ ए एंड एक्स. अब एक्स लिख लिया तो व्हाट इज, व्हाट आर टू वेक्टर्स ए एंड ए, तो ए डॉट इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर. वेक्टर ए के साथ क्या बचेगा, ये वेक्टर एक्स डॉट ए, एक्स डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस. नाउ व्हाट इज द अननोन हियर, और ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये तो जीरो क्वांटिटी है, ये तो एक स्केलर नंबर है और नॉन जीरो है, देयरफॉर आई कैन टेक इट डिनोमिनेटर में, यहां से हटा के इसको इधर लिख देता हूं. क्या ये मेरा आंसर है? यस दिस इज माय आंसर. द रीजन इज मैंने वेक्टर एक्स को जो फंसा हुआ था ए और बी के साथ विद द हेल्प विद द डॉट एंड क्रॉस, मैंने उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दिया. मतलब एक साइड वेक्टर एक्स है और एक साइड मेरे नॉन क्वांटिटीज हैं, नॉन क्वांटिटीज आर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड स्मॉल सी स्केलर, हेंस दिस इज माय आंसर वेक्टर एक्स इज दिस. गेटिंग इट? अच्छा क्वेश्चन है. एक बार जो जो मैंने दोबारा सुन लिया इसी क्वेश्चन को, जो जो मैंने थियरी तो मैं बोली ना, जो बार बार कोई चीज मैं नहीं बोलूंगा, वो एक बार अगर मैंने अच्छे से सुना हमने मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले, क्या क्या नोट करने वाली बात है इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें आसानी हुई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले तो इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने से बेटर है कि तुम लोग ये पढ़ रहे हो. ठीक है, और नहीं आता है तो फिर देखो और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को सुनो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. इंपॉर्टेंट है इस वेक्टर इक्वेशन, मेंस में भी आता है और एडवांस में तो आ ही जाता है, मोर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, बट मेंस में भी कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर आर, फाइंड यूनिट वेक्टर आर सेटिस्फाइंग इक्वेशन, सेटिस्फाइंग इक्वेशन वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी. ठीक है, वेयर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये थोड़ा और ट्रिकी है, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू. चलो खुद से सोचो, मतलब वॉट लो क्रॉस लो कैसे भी करो खुद से सोचो क्या करें, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से. पहले हमारे पास दो ही क्वेश्चन दे रखे थे ए डॉट एक्स और ए क्रॉस, बट एक्स डॉट एक्स क्रॉस ए, बट इधर हमें एक ही क्वेश्चन दे रखे, बाकी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे, हाउ टू यूज इट. तो देखते हैं सॉल्यूशन, करना ट्राई करके ना पॉज करो, दिस इज माय पेरेंट इक्वेशन है ना, सब इसी क्वेश्चन से जो भी आना होगा इसी क्वेश्चन से आए. क्या करें, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, तो जैसा मैं प्रीवियसली क्वेश्चन में किया था उस क्वेश्चन से इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, किस वेक्टर के साथ डॉट ए क्रॉस. देखो अभी तो मेरा वेक्टर आर जो है अननोन वेक्टर आर, वो मेरा ए के साथ क्रॉस के साथ फंसा हुआ है वेक्टर ए के साथ, तो अभी तो मैं वेक्टर ए को इसके नीचे लेके जा सकता, ऐसा कोई रूल होता नहीं है. तो मैं वेक्टर आर को हटाना है मुझे ए के साथ, जो बंधा हुआ है ना वो बंधन में, ठीक है ना, उससे छोड़ तोड़वाना है उसे. चलो तो मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन का ले लिया क्रॉस वेक्टर ए, तो लेट्स से लिख लेते हैं, फिर समझ में आया, बोलिए वेक्टर आर क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो. अब क्या करें, ओपन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो बीच में वेक्टर ए है, दिस इज द प्लेन ऑफ आर एंड ए, बीच में वेक्टर ए है माइनस वेक्टर आर, और ए यूज हो गया तो आर डॉट ए, आर डॉट ए, और इधर आर यूज हो गया तो ए डॉट ए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. चलो बहुत अच्छी बात है,
सिंपल, बट एक चीज यहाँ गलती हो गई, गलती मतलब गलती नहीं बोलना, देखेंगे हम इसको कैसे मतलब सॉर्ट आउट करते हैं। देखो इसमें आर नहीं आएगा, नहीं बहुत अच्छी बात है, इसमें मॉड ऑफ एज में आ रहे दोनों सेपरेटेड है, मॉड ऑफ एज में ये किसी ने लिखा जैसे टू लिखा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इस टर्म में दिक्कत कहाँ है, आर अभी इसके इधर और आगे गलती से, गलती से मतलब आगे, अब क्या करें इसको रिमूव करना है। तो अल्टीमेटली मुझे आर डॉट की जरूरत है, क्या करूँ मैं अगर मैं, चलो एक मिनट के लिए आर डॉट लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा यार, देखो अगर आर डॉट ए निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मॉड ऑफ ए इनटू एंगल बिटवीन आर एंड ए, तो एंगल बिटवीन आर और ए दे रखा है, वो तो क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो किसी तरीके से मुझे आर और ए के बीच में एंगल मिल गया, तो आई कैन सॉल्व दिस, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अब इधर इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दिया, मॉड ए मॉड बी दिया, मॉड ए मॉड बी दिया है, इधर आर क्रॉस ए दिया है, ठीक है। तो मैं इधर अगर ओपन कर लूँ मतलब क्रॉस मैग्नेटिक ले लूँ दोनों साइड, तो विल यू गेट हियर आर और ए के बीच में एंगल साइन थीटा है, ठीक है साइन थीटा आएगा कोई बात नहीं, इधर क्रॉस थीटा आएगा तो थीटा तो क्या वो ट्राइंगल से कन्वर्ट कर ही लेंगे, तो इन दिस इक्वेशन आई एम टेकिंग मॉड ऑन दिस साइड, मॉड ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, एंड मॉड ऑफ आर क्रॉस ए इज मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड ए, तो लेट्स से मैंने थीटा मान लिया आर वेक्टर, आर और वेक्टर ए के बीच में, तो क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, एंड यू नो आर इज अ यूनिट वेक्टर, सो दिस क्वांटिटी इज 1, एंड मॉड ए मॉड बी दे रखा है, यू आर गेटिंग साइन थीटा, बिल्कुल मॉड साइन थीटा क्या है, मॉड ऑफ बी विच इज रूट टू एंड मॉड ऑफ ए विच इज रूट थ्री, तो मेरे को साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, अब क्या करें, बस कॉस थीटा निकाल लेते ट्रायंगल बना के, और इधर तो मेरा क्या आने वाला है, दिस इज व्हाट मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा इनटू वेक्टर ए, और इसको मैंने लिया माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू वेक्टर आर टाइम्स मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर से स्क्वायर, दिस इज आंसर। अब तुम्हारा टास्क क्या है, केवल और केवल मॉड ए के लिए रिप्लेस कर देना था रूट 3, मॉड ए स्क्वायर दिया गया 3, कॉस थीटा भी दिया, उधर से थीटा निकालना ट्रायंगल से, ठीक है ट्रायंगल से कैसे निकालोगे, लेट्स से ये ट्रायंगल है ना, ये थीटा है, दिस इज रूट 2, दिस इज रूट 3, तो दिस इज 1, तो मेरा जो कॉस थीटा आएगा दैट विल बी 1 बाय रूट 3, तो हियर यू विल बी 1 बाय, तो व्हाट एवर यू आर आर जो हो गया हमारा दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए एंड बी आर नो वेक्टर आर था वही तुम्हारा नो था, ठीक है क्लियर हुआ बात, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चन उनको वेक्टर इक्वेशन पे होमवर्क के लिए देता हूँ। This
दिस इज द रीजन. तो हर एक में थोड़ा थोड़ा चीजें मिलेंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना. अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में वेक्टर ए है तो ए माइनस वेक्टर आर, अब ए यूज हो गया तो आर डॉट ए, आर डॉट ए, वेक्टर आर लिखा है ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर माइनस ए टाइम्स, अब आर क्रॉस ए को मैं इधर से बी माइनस ए टाइम्स वेक्टर आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. नाउ अब देखते ओपन कर लेते हैं, तो आर डॉट ए टाइम्स वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेक्टर आर प्लस के टाइम्स वेक्टर बी प्लस के स्क्वायर टाइम्स वेक्टर, सॉरी के नॉट वेक्टर, के स्क्वायर स्केलर इनटू वेक्टर आर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो कहने का मेरा मतलब, अब इन ये आर का मैं इन आर तो आ रहा है, अब देखो ये मेरा प्रॉब्लमेटिक टर्म नहीं है, ये नहीं भी नहीं है बिकॉज वेक्टर आर डॉट ऑफ क्रॉस के साथ नहीं होता, सिंपली इट इज मल्टीपल, इट इज मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर, तो ये टर्म भी ओके है हमारे लिए, ये टर्म भी ओके है, ये टर्म भी ओके, ओनली टर्म दैट इज worried about is r dot a. तो मुझे r dot a होना चाहिए because I cannot express r in terms of r only. मतलब मैं RHS में I want to write only a, b और r, k, not r. तो मैं r dot a कैसे निकालूँ? जो भी कुछ है मेरे पास, ये parent equation, इसी से निकलेगा जो भी निकलेगा कुछ कुल मिला के. तो इसी से मेरे को r dot a निकालना है. तो obvious thought क्या है? Take dot product with vector a. क्यों? क्योंकि इससे r dot a generate हो जाएगा. अच्छा. अब r cross a का मैंने अगर a के साथ dot लिया क्या है? Of course zero, because r cross a is a vector perpendicular to r and a both. तो dot with a क्या होगा? Zero. तो zero plus k times r dot a is equal to b dot a. तो from here r dot a का value आ गया मेरा. In terms of known things b dot a like just इसको तुम्हें इधर रखना है. तो finally what you getting? क्या करो? R वाले terms vector r वाले ये दो terms हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को उधर लेके जाओ. आर को कॉमन लेके जो भी स्केलर है उसको इधर से डिवाइड कर दो. मतलब मैंने आर डॉट ए तो लिखा, तो दिस इज बी डॉट ए डिवाइडेड बाय के टाइम्स वेक्टर ए, फिर प्लस के टाइम्स वेक्टर बी, के टाइम्स वेक्टर बी, और ये तो उधर चला गया, और इस बी क्रॉस ए में चला गया माइनस बी क्रॉस ए, और उधर मेरे चले जाएंगे ये दोनों टर्म्स, उसमें से आर कॉमन आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट ऑफ विथ मॉड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा वो मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस व्हाट माय वेक्टर ये हो गया मेरा आर, ठीक है. सो वेक्टर आर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड स्केलर के, वेक्टर ए बी एंड स्केलर के, इधर कोई भी आर का चीज नहीं होना चाहिए. गेटिंग इट? चलो तो अब हो गया हमारा थ्योरी, मतलब इन द सेंस अब तो मैं आई होप फील आ गई होगी कैसे सॉल्व करना है. अब मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद सर अपन आज का लेक्चर एंड ऑफ करते हैं, और इसके बाद जो होगा दैट विल बी लास्ट क्लास, ठीक है. उसमें हम एक तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आज में से लेने वाला था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वो 5 मिनट का टॉपिक है, और एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वो भी 10-15 मिनट का. तो ओवरऑल कुल मिला के लास्ट अगले क्लास में हमारा वो फुली वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ. लेट वेक्टर यू एंड वेक्टर वी बी यूनिट वेक्टर्स, if vector w is a vector, is a vector such that w plus w cross v is equal to vector v, sorry, w cross u and yeah, w cross u is equal to vector v, then prove that magnitude of u cross v dot with w, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना इन वेक्टर्स का, इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, एंड दैट इक्वालिटी विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ u इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन विल बी, ठीक है, फाइंड वेक्टर्स ए एंड बी, मुझे ए और बी वेक्टर निकालने हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेटिस्फाइंग द वेक्टर इक्वेशंस
दो इक्वेशन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर कॉमा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर एंड कैपिटल ए का डॉट विद स्मॉल ए इक्वल्स टू 1 वेयर ए एंड बी आर गिवन वेक्टर्स वेयर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर गिवन वेक्टर्स ठीक है तो मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी आर अननोन तो ऐसे समझ लो कि ये बेसिकली हम कैसे पढ़ते हैं This is not plus. This is cross, of course. This is a vector a plus b and this is a cross b. तो ऐसे समझ लो कि दो इक्वेशन दे रखी हैं and दो वेरिएबल्स हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी. ऐसे मान लो. Small b and small a are unknown. So तुम्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना है in terms of small a and small b. ठीक है. And your last question, homework question will be if u plus v plus w vector is equal to vector a. Vector u plus vector v is equal to vector b. Vector v plus vector w is equal to vector c. A dot u is equal to a dot v is equal to 1. Mod of a equals to root. अब तीन 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 वेक्टर से ठीक है ना then find u v w in terms of वेक्टर ए वेक्टर बी सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन और जो भी डाउट्स आए लेक्चर में आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं आज ठीक है तो डाउट सेशन में पूछूँ ठीक है और वैसे भी पोस्ट कर सकते हो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा